पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी ने आपातकाल को इतिहास का काला दिवस बताया। जोधपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि संविधान का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और 21 महीने तक लोगों पर अत्याचार किया गया। जिस कभी भी इमरजेंसी इस तरह की लगाई जाती है तो उसके दो आधार होते हैं भारत के संविधान के तहत में, जो कि अनुच्छेद 352 है। एक तो ये होता है कि जब देश पे कोई युद्ध हो, कोई आक्रमण हो, कोई लड़ाई हो, और दूसरा होता है आंतरिक अशांति। तो इस आधार पर के रात को 11:45 पे 25 तारीख को राष्ट्रपति के दस्तखत करवाए गए, तो पूरा 21 महीने तक जिस हिसाब से अत्याचार किया गया वो एक ऐसा काला दिवस इतिहास में माना जा रहा है। हमारे देश पे, हमारे संविधान पे कभी बाबा साहब अंबेडकर ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का जो है एक संविधान पे कलंक लगेगा। और ये अगर काम किया है तो कांग्रेस शासित उस समय इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन कांग्रेस के मित्र उनको अभी हिम्मत रखनी चाहिए। जब वो अभी ये कहते हैं इन दिनों में कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उनको इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी से सीख लेनी चाहिए।